हेलो बच्चों, वेलकम टू एमकेजन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त रवि मंडोत, अकाउंटेंसी इकोनॉमी एजुकेटर ऑफ एमकेजन क्लासेस। हमारा जो इंस्टीट्यूट है एमकेजन क्लासेस, पिछले 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है। इस वर्ष भी हमारा जो बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है वो बड़ा अच्छा रहा है, श्रेष्ठ रहा है। और मैं चाहूँगा आप सभी से कि एक बार आकर एमकेजन क्लासेस पर भी विजिट करें। तो बच्चों, आज हम यह डिस्कस करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास की तरफ जा रहे हैं उन्हें कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या खासियत है कॉमर्स में, क्या खूबी है कॉमर्स में कि उन्हें कॉमर्स को लेना चाहिए। तो बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि हम हमारा करियर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर हो वो अच्छा रहे, आसान रहे, हमें भविष्य में ढेरों सारा पैसा मिले, हमें वो सारी सुख सुविधाएं मिले जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों, हम हमारे जीवन में वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही कहलाती है। और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही कॉमर्स का एक पार्ट मानी जाती है। तो इसलिए बच्चे, कॉमर्स इट्स अ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर लाइफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई यू शुड ऑप्ट कॉमर्स आफ्टर 10th क्लास, कि हमें 10th क्लास के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट को क्यों चूज करना चाहिए। कॉमर्स की खूबियाँ खासियत बहुत सारी है, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी लाइफ की, जो पैसों कमाने के लिए की जाएगी, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए की जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं कॉमर्स का पार्ट ज़रूर होगा। हम हमारे जीवन के किसी भी पड़ाव पर होंगे, चाहे हमें IIT करने के बाद MBA करनी पड़े तो भी हमें कॉमर्स को समझना पड़ेगा। हमें 12th क्लास के बाद अगर हम किसी बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, या हम किसी फाइनेंस सेक्टर में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें कॉमर्स को पहले समझना पड़ेगा और कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा, कॉमर्स जो होती है वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट कॉमर्स कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मशहूर लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने एक बहुत पॉपुलर बुक लिखी थी, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने उस बुक में कॉमर्स की इम्पोर्टेंस को बताया है और उन्होंने इस बात को बोला है कि विदाउट कॉमर्स हम सोसाइटी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उस बुक में उन्होंने कॉमर्स की सारी इम्पोर्टेंस बताई है कि कॉमर्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है और अगर हम हमारा करियर बनाना चाहते हैं तो हमें कॉमर्स को क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने वहाँ उस बुक में 4 अल्फ़ाबेट 4 कंपोनेंट की सहायता से बेस पर हमें कॉमर्स की इम्पोर्टेंस को बताया है। वो चारों अल्फ़ाबेट जो इस प्रकार है, रॉबर्ट कियोसाकी एक पॉपुलर बुक लिखी थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और इसी बुक में इन्होंने 4 कंपोनेंट के बेस पर हमें यह बताया है कि कॉमर्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है। पहला कंपोनेंट, पहला अल्फ़ाबेट है ई, दूसरा कंपोनेंट है एस, तीसरा कंपोनेंट है बी और 4th कंपोनेंट है आई। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में इस 4 कंपोनेंट के बेस पर ही कॉमर्स की इम्पोर्टेंस को बताया है कि कॉमर्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है। यहाँ पर ई का मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सभी को पता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी अदर पर्सन के अंडर में जॉब करता है, उसके कहने पर कोई वर्क करता है तो वो सारे पर्सन इस एम्प्लॉई कैटेगरी में आते हैं। जहाँ पर हमें बचपन से 8th 9th 10th क्लास से बताया जाता है कि हमें हमारा करियर बनाना है, हमें कई जॉब करनी है, हमें लाखों का पैकेज लाना है, तो वो सारे पर्सन जो किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी के बोलने पर, किसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, वो सभी ई कैटेगरी, एम्प्लॉई कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो एस है, एल्स का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन वो होता है जो खुद
अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक छोटी या बड़ी शॉप को ओपन करता है, खुद ही गल्ले पर बैठता है, खुद सभी चीज़ों को मॉनिटर करता है और जितना भी वर्क होता है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है और अपनी अर्निंग को बढ़ाता रहता है और पैसों को कमाता रहता है। बी, बीकॉम इन बिजनेस। बिजनेस थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉय से अलग होता है। बहुत से बच्चे ये मानते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस एक ही होता है। नो, बिजनेस जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय का एक बिग वर्जन होता है, जहाँ पर जो ओनर होता है, जो प्रोपराइटर होता है, वो एक सिस्टम बना देता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको इनकम मिलती रहती है, चाहे उसकी प्रेजेंस हो बिजनेस में या चाहे उसके एब्सेंस हो। उसके एब्सेंस होने के बाद भी बिजनेस का सिस्टम चलता रहता है और उसको उसकी इनकम मिलती रहती है। आई मीन्स इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपनी सेविंग का कुछ पार्ट मार्केट में, बैंकों में या किसी अदर फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी अर्निंग को बढ़ाते हैं। जैसे लाइक ए शेयर बाजार। शेयर बाजार एक ऐसा पूरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जहाँ पर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करता है और वहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ, जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, जो सेबी के अंदर लिस्टेड है या जो बीएससी एनएससी के अंदर लिस्टेड है, वो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर होता है उनकी परफॉर्मेंस से वो सेल्फ अर्निंग करता रहता है। तो रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में इन चारों कंपोनेंट को बताकर ये बताया है कि हम फ्यूचर में कोई भी अर्निंग की एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा, वो सारी एक्टिविटी या तो एम्प्लॉय कैटेगरी में आएगी या सेल्फ एम्प्लॉय में आ सकती है या बिजनेस में आ सकती है या इन्वेस्टर्स में आ सकती है। उसके अलावा ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जो इन चारों ऑप्शन के अलावा हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मशहूर जो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, रॉबर्ट कियोस्की ने बोला है। तो बच्चों, आज सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में ये होता है कि अगर हम कॉमर्स ले लेंगे तो हम आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में उनको लगता है खाली एक ही ऑप्शन है, सीए। और जो बच्चा सीए नहीं बन पाया है, जिसको सीए नहीं करनी है, उसके लिए कॉमर्स किसी मतलब की नहीं है। तो बच्चों, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्कोप हो सकते हैं कॉमर्स में और कॉमर्स में हम आगे बढ़ के हमारे करियर को कैसे उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां पर हमने हमारा करियर सोचा है। तो बच्चों, स्कोप आफ्टर द ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास के बाद कॉमर्स के अंदर क्या क्या स्कोप होते हैं, तो चलो इस पर हम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जिन्हें पता नहीं होगा जो ये मानते होंगे कॉमर्स का मतलब होता है सीए। तो भाई बच्चों, यहाँ पे कॉमर्स का मतलब सीए नहीं होता है। कॉमर्स लेने के बाद हमारे पास इतने सारे स्कोप्स होते हैं, बैंकिंग से लेकर मार्केटिंग फाइनेंस तक जितने भी एरिया से, वो सारे कॉमर्स के ही हैं, क्योंकि जो कॉमर्स वाले होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और इस देश का डेवलपमेंट बिना सर्विस सेक्टर के कभी नहीं हो सकता है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमर्स का मतलब सीए नहीं होता है, कॉमर्स के अंदर बहुत सारा स्कोप है। तो आफ्टर ट्वेल्थ क्लास जो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है सीए, सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स कंडक्टेड बाय द आईसीएआई, कंडक्टेड बाय द आईसीएआई, एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, जो ईच एंड एवरी ईयर सीए के एग्जाम करवाता है, जिसमें बच्चे अच्छे से 11, 12 के फाउंडेशन, जितना भी उनका बेसिक होता है, उसको अच्छे से पढ़ के इस कोर्स को कर सकते हैं और सीए बनकर अपने करियर को उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जो उन्होंने अपने सपने में देखा होगा। सेकंड जो स्कोप हमें कॉमर्स में मिलता है सीएस। सीएस का मीन्स होता है कंपनी सेक्रेटरी। दिस एग्जाम कंडक्टेड बाय आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बच्चों, हम सीएस बनकर भी, हम सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करके भी हम हमारे करियर को आगे ले जा सकते हैं। तीसरा जो कोर्स है सीएम है, कोर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जहाँ पर बच्चा कंपनियों में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस कैसे वहाँ पर वर्क होता है, कौन कौन सी कॉस्ट वहाँ पर कंपनी को होती है और कंपनी अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करती है, वो सारी टेक्निक और मेथड को समझकर
अपने करियर को अच्छा बना सकता है। फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। जरूरी नहीं कॉमर्स लेने वाला सीए ही करे, जरूरी नहीं कॉमर्स लेने वाला सीएसई करे, जरूरी नहीं कॉमर्स लेने वाला सीएम ही करे, वो बच्चा चाहे तो सर्विस सेक्टर में भी अपना योगदान देकर देश के विकास को आगे बढ़ा सकता है। सर्विस सेक्टर में सबसे पहले है बैंकिंग सेक्टर, सेकंड है इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, वेयरहाउसिंग सेक्टर, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। ये सारे सेक्टर जहां पर कॉमर्स का बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा स्कोप है, और बिना कॉमर्स के इन किसी भी सेक्टर में वर्क पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों, खाली सीए या सीए सीएम ही कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स में इतना सारा स्कोप है, और बिना सर्विस सेक्टर के हम किसी भी देश की इकोनॉमी को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को या उस देश की जीडीपी को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फोर्थ फिफ्थ जो है बिजनेसमैन। अगर कोई बच्चा सीए सीए सर्विस सेक्टर में अगर नहीं जाना चाहता है, तो वह बिजनेस करके अपने आप को करियर के उस मुकाम पर ले जा सकता है जो उसने क्लास टेंथ में या क्लास नाइन्थ में सोचा होगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और मेरे जीवन में ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। लास्ट एंड फाइनल गवर्नमेंट जॉब। कॉमर्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब भी होती है जूनियर अकाउंटेंट के रूप में, जिसमें गवर्नमेंट अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकालती है, जहां पर उन्हें उन सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उनके इनकम और एक्सपेंडिचर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए उन्हें ज़रूरत होती है उस पर्सन की जिसको कॉमर्स का बहुत अच्छा नॉलेज हो और जो कॉमर्स फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। तो बच्चों, ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए भी ज़रूरी है जिनको लगता है कि कॉमर्स में कुछ नहीं है, क्योंकि टेंथ क्लास के बाद बच्चे के डिसीजन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट करते हैं उस बच्चे के माता पिता। तो मैं सभी माता पिता, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सभी अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कॉमर्स में बहुत स्कोप है, कॉमर्स में कम स्कोप नहीं है। कॉमर्स का मतलब सीए करना ही नहीं होता है, कॉमर्स में सर्विस सेक्टर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब, सीएमए, सीएससीए, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं जहाँ पर बच्चा अपनी एबिलिटी, अपने स्किल और अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने करियर को अच्छे से बना सकता है। तो इसी के साथ आपका दोस्त रवि मांडोत मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद एंड बाय बाय।